तो दोस्तों, मैं यहाँ से माजीग्राम होके जा रहा था, तो मुझे बहुत ही पानी का प्यास लगा था। तो मेरा यहाँ जाना पहचाना एक अंकल का दुकान है। मैं दुकान पे आया और आने के बाद पानी का एक बोतल लिया और पानी पिया, और उन्होंने मुझे दिखाया कि मोबाइल में मेरा इस तरह का एक मैसेज आया। तो मैंने उस मैसेज के देखते हुआ सोचा और समझा कि ये जो चीटर लोग है, आज का समाज को किस तरह से इन लोग लूट रहा है। तो पहले मैं आपको उन जो मोबाइल में जो मैसेज आया है, वो मैसेज को मैं आपको सुनाने चाहता हूँ। आप एक बार सुनिए, इस तरह का जो चीट फाउंड जो करता है, जो चीटर लोग है, इन लोगों से आप बच के रहना और इन लोगों से दूरी बनाए रखना, क्योंकि ये समाज को लूटने वाला लोग है और समाज को दुष्प्रभाव, और ये हमारा जो सरकार है, मोदी सरकार, इनको चेहरा सामने ला के और इनको वीडियो दिखा के इन लोग लूट रहा है। तो आप सुनिए ये वीडियो में इस मैसेज के द्वारा क्या बताया गया है, किस तरह हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। आप थोड़ा सुनिएगा, इसमें वीडियो को चालू करता हूँ या ओपन करता हूँ। तो भैया आप तो देखिए दोस्तों, मैं इस मैसेज यानी कि इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ, और आप इधर देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन में अमिताभ बच्चन और मोदी जी का पिक्चर भी लगाया रखा है। और आज का डेट में लोग मोदी जी और अमिताभ बच्चन को खूब ही अच्छी तरह से जानते हैं और मानते हैं। इन लोगों का आवाज़ लेके दुनिया को लूट रहा है। अब मैं इस वीडियो को सुना रहा हूँ आपको, आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान देके। नमस्कार सर, सर मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़ जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से। नमस्कार सर, सर मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़ जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन, वधाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल और जियो कंपनी, 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सअप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सअप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है, डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है, सेव करने के बाद आपने उस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पे नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सअप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सअप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है, बाकी की जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर। तो देखा दोस्तों, आपने मैसेज को सुना और समझा तो किस तरह का ये लोग हैं जो देश को आज लूटने में तुले हुए हैं। तो मैं अंकल को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, ये अंकल का पास ये मैसेज आया था। तो मैं अंकल को पूछूंगा, ये मैसेज पढ़ते के समय आपको क्या लगा, ये रियल है या फेक है? अंकल नहीं, मुझे तो रियल नहीं लगा, ये तो फेक ही लगा। और भी मैं यहाँ का लोगों के पास आया था मैसेज ऐसा ही, वो लोग बोल रहा है नहीं, ये सब बोल रहा है, पैसा मांग रहा है, 10-12 हज़ार रुपया दो इसको बाद पैसा मिलेगा, यही बात बोल रहा था। तो अंकल का पास ये मैसेज आने के बाद आपको फ़ोन किया था क्या इन्होंने? नहीं नहीं, फ़ोन नहीं किया था, मैसेज आया था। तो आपको कैसे पता चला ये 12 हज़ार रुपया मांग रहा है? नहीं यार, गांव का लोग है ना, वो लोग बता रहा था, मेरे पास भी आया है ऐसा ऐसा, ये जो माझेग्राम इधर गार्डन का है, फिर डोलूग्राम गार्डन का, वो भी लोग ऐसा ही बोल रहा था, ये सब गलत है। यानी कि पहले भी यहाँ के लोगों को और भी मैसेज दिया गया है, तो शायद उन लोगों को फ़ोन कॉल से बताया गया है कि हमको 12 हज़ार रुपया आप भेजिए, तो मैं आपका अकाउंट में ये 50 हज़ार रुपया भेज दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा गुजारिश है इस तरह का फेक न्यूज़ से यानी फेक मैसेज से आपको बचना है और समाज को भी बचा के रखना है। और आगे भी इस तरह का बहुत सारा चीट फाउंड आने वाला है आप लोगों को मोबाइल में, तो आप लोग कृपया करके ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के वीडियो को नहीं सुनना है और नहीं देखना है। ओके, थैंक यू। मैं अंकल से पूछने चाहूँगा ये उनका कौन सा जगह है, और ये उनका थोड़ा नाम पूछूँगा।
तो आप ये कौन सा जगह है, आपका एरिया कौन सा है? ये माझेग्राम टी गार्डन पोस्ट दुर्गा नगर। तो मैं बोलना चाहूँगा ये आसाम का हमारा माझेग्राम टी गार्डन है एरिया है, और मैं उसी रोड से गुजरते हुए मैं जा रहा था खासपुर, तो बीच ही में मैंने पानी पीने के लिए उतरा था, और उतरने के बाद ये मुझे मैसेज मिला। तो मेरा दिल नहीं चाहा, मैं चाहा लोगों के पास ये मैसेज मैं शेयर करूं और सबको सुनाऊं कि दुनिया का हर कोना तक मेरा ये मैसेज जाए और सभी लोग जाने कि इस तरह का चीट फाउंड वीडियो से और मैसेज से मुझे बचना है। ओके, थैंक यू।